देख रहे हैं कलर्स पर विश। बहुत ही अजीब सी जगह है, इतना सन्नाटा। सो स्ट्रेंज। इसके बगल से ही जाना होगा, मुझे कुंड तक पहुंचना है तो, और कोई रास्ता नहीं है। करेंगे भी आवाज हुई तो मैं गया। कुछ भी हो जाए, छिपकली की नींद नहीं टूटनी चाहिए। से मेरी स्मेल आ गई। बहुत समय बीत चुका है, आदित्य अभी तक लौट कर नहीं आया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? ठीक तो हो ना? जल्दी आए। ये बहुत कठिन पड़ाव था, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। रुद्रमा, आपका आशीर्वाद था मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होता। अब मैं कुछ मंत्रों का उच्चारण करूंगी, उसी के साथ साथ तुम्हें इस मणि का जल अभिषेक करना।
इसी के साथ जल तप संपन्न हो गया। अब तीसरा तप, नब तप, जिसके लिए हमें आलिया की भी जरूरत होगी। लेकिन रुद्रमा, इस तप में हमें करना क्या होगा? तुम्हारी आवास यानी कि कुठारी एस्टेट के पूरे वातावरण की शुद्धि करनी होगी। और कैसे होगी ये शुद्धि? सिंदूर खेला से, और उसी के साथ साथ इस मणि को ले जाकर घर के अंदर स्थापित करना होगा। लेकिन ये स्थापना सिर्फ आलिया कर सकती है। अरे दफन करेंगे। आलिया को यही छोड़कर गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ चली गई। ताबूत कहाँ गायब है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? आलिया किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? वो जख्मी थी, वो चल फिर कर कहाँ जाएगी? इसके पीछे सबरीना का हाथ तो नहीं? तुम फिक्र मत करो, मैं ध्यान करती हूँ। क्या हुआ रुद्रमा? नहीं, ये सबरीना की हरकत नहीं है। मुझे उसकी विषैली ऊर्जा नहीं महसूस हो रही, लेकिन मुझे आलिया की ऊर्जा महसूस हो रही है। मतलब वो कहीं दूर नहीं गई है, यही कहीं आसपास है। हमें उसे ढूंढना होगा, चलो। मेरी मैडम मालकिन के दुश्मन भंडारी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सबरीना के जहर से संक्रमित है ये, इसलिए इसका दिमाग इसके काबू में नहीं। इसने ही आलिया को छुपाया होगा। तुम जाओ, आलिया को ढूंढो, मैं संभालती हूँ इसे। नहीं मिलेगी आलिया, मैंने मुझसे टकराना होगा। जाओ अदी, तुम जाओ। आलिया, कहाँ हो तुम? आलिया, ये यहाँ पे ऐसे खुदा हुआ है? भंडारी ने आलिया को यहाँ तो नहीं दफना दिया? कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, कुछ नहीं। रुद्रमा, आलिया, आलिया। महादेव की कृपा है कि आलिया जिंदा है। इसे अगर कुछ हो जाता ना, पता नहीं मैं क्या कर बैठता।
मैं आंखें नहीं खोल पा रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी नहीं। राज, जरूर इसे सबरीना ने ही भेजा होगा। सबरीना? हाँ, दैत्यराज की कमजोरी है सुहागने, उसी का फायदा उठा के सबरीना ने आलिया के पीछे भेजा होगा उसे। पर इतना शोर कैसे हो सकती है? क्योंकि आलिया और दैत्यराज के बीच में एक ही कड़ी है और वो है सबरीना। एक सुंदर और पवित्र सुहागन को हासिल करने के लिए दैत्यराज कुछ भी कर सकता है और ये बात सबरीना बहुत अच्छी तरह जानती है। दैत्यराज मेरी आले के साथ क्या करेगा? कैसे रोकूं मैं उसे? एक बार कोई सुहागन दैत्यराज के हरम में पहुंच जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कहां है वो दैत्यराज? मुझे बताइए, मैं उसे मारकर अपनी आले को वापस लाऊंगा। ये इतना आसान नहीं है आदित्य। नहीं होगा आसान, पर मेरे जीते जी मैं आलिया को उस दैत्यराज के हरम में नहीं रहने दूंगा। मेरी पत्नी है, वो प्यार करता हूँ मैं उससे, मैं उसे वापस लाऊंगा। आप मुझे बताइए क्या करना होगा। दैत्य नगरी के अंदर जाना बहुत मुश्किल है आदित्य, और अगर वहाँ कोई अंदर चला भी गया तो दैत्यराज के मर्जी के बगैर वो बाहर नहीं आ सकता है। बहुत बलशाली है वो, और उसे मार पाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। आपके पास तो शक्तियाँ, आप तो कुछ कर सकती हैं। लेकिन उसकी शैतानी शक्तियों के सामने मैं भी लाचार हूँ। कोई तो रास्ता होगा रुद्रमा। एक रास्ता है। क्या? बोलिए, बोलिए। एक दिव्य शस्त्र है जिससे दैत्यराज की मौत हो सकती है, लेकिन उस शस्त्र को ढूंढ के लाना होगा और फिर उसे किसी पवित्र झील के जल की शक्ति देनी होगी। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन उस दैत्यराज ने पूरी की पूरी झील गायब कर दी है। क्या? कोई झील कैसे गायब कर सकता है? अब तुम्हें उसकी शक्तियों का अंदाजा हुआ? मेरा अनुमान है कि उसने झील दैत्य नगरी में ही छुपा कर रखी है, अपने ही आसपास, ताकि वो उस पर नजर रख पाए, क्योंकि उसे पता है उस झील का पानी क्या कर सकता है। ठीक है, वो दैत्यराज दैत्य नगरी में और वो झील भी वही है, लेकिन वहां अंदर कैसे घुसेंगे हम? ये तुम्हें वहां का रास्ता दिखाएगा, लेकिन तुम्हें ये दिव्य बंधन छुपाना होगा, क्योंकि अगर सबरीना ने इसे देख लिया तो वो तुम्हें पहचान जाएगी। तो मैं क्या करूं? इसे पहन लो। अब तुम पवित्र झील का पानी लाओ, मैं दिव्य शस्त्र को लेने जा रही हूँ। दैत्यराज को मारकर आलिया को बचाने का बस यही एक मौका है। दैत्यराज, पवित्र झील के इस लघु रूप की कीमत तुम जैसे हजार गुलामों की जान से भी ज्यादा है, इसलिए इसे संभाल कर इसकी जगह पर रख दो। हाँ।
मेरी ताबूत वाली सुहागन को जरा तैयार तो करो, जरा इसकी मुंह दिखाई तो करें। जो हुकुम देते राज। आप सबके लिए खुशखबरी है, चलिए चलिए आप सब आजाद हैं। चलिए बाहर चलिए। सच मुच देते राज ने खुद आदेश दिया है। अरे चलिए बाहर चलिए। तो क्या हुआ, आप खुश नहीं लग रहे हैं? आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? मैंने आपसे वादा किया था सो मैंने पूरा किया, अब और क्या करूं? हमें तुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि तू कोई भी काम करती है उसके पीछे कोई ना कोई तेरा स्वार्थ होता है, और मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं। पर चाचा जी, मैं बदल गई हूँ, मैं वो पुरानी वाली सबरीना नहीं हूँ। वैसे हम सबके अंदर विश्लोक का ही खून दौड़ता है, और खून तो आखिर खून ही होता है ना। मतलब हम पहले जैसे जिंदगी जी सकते हैं? पहले से बेहतर बहन। मैंने दैत्यराज को भेंट में एक ऐसी सुहागन दी है कि दैत्यराज खुशी से झूम उठे हैं। जल्दी उन दोनों की शादी है, और मेरे रिश्तेदार होने के नाते आप सबको भी न्योता है। पता नहीं किस मासूम की जिंदगी बर्बाद की होगी इसने। ओफो, ये बुड्ढा तो मूड सड़ाने का चैंपियन है। आज होने वाली दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म है, मैं तो जा रही हूं। आप लोग नहीं जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। सबरीना की तरफ से नायाब तोहफा, आपको कैसा लगा आपने बताया नहीं अभी तक। मेरी कल्पना से भी सुंदर, मेरी सपनों से भी ज्यादा हसीन। तुम्हारी सारी गलतियां माफ सबरीना, आज से तुम और मैं दोस्त। दोस्ती का तू अचार डाल, मेरा तो काम हो गया। तू बेटा आलिया के प्यार में गिरफ्तार हो चुका है, और मैंने तेरा भरोसा भी जीत लिया है। अब आराम से आदित्य को पकड़कर उसे अपने वश में करूंगी। आज तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हुआ, दैत्य रानी आलिया। दैत्य रानी आलिया, तेरा तो काम तमाम। इस लाइफ में तो दैत्य नगर से तो बाहर निकल ही नहीं पाएगी। सुंदर सुहागन आलिया के साथ हमारा मिलन होगा। सारे सेवक दास दासियां मिलन रात्रि की तैयारी में लग जाएं। ऐसा भव्य आयोजन होना चाहिए कि लोग वर्षों तक याद रखें। मिलन रात्रि यानी यहाँ की भाषा में शादी। इतनी जल्दी ऐसी शादी की, कुछ तो बात है तुमने आलिया। चुकी हो तुम सबरीना, अब हमारी बारी। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है सबरीना, देख लो आंखें खोल के सबरीना। ये है हमारी त्रिशक्ति जो तुम्हारा अंत करके मानेगी। जिन्हें तुम मामूली इंसान समझ रही थी ना सबरीना, वही तुम्हारे अंत का कारण बनेंगे। आलिया, क्या कहा था मैंने, मुझसे दुश्मनी तुझे भारी पड़ेगी। अब खुद को दैत्य से बचाओगी, ये अपने आदित्य को, आदित्य को मेरे होने से अब कोई नहीं रोक सकता। फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv, फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv.